गुड आफ्टरनून फ्रेंड, आप मेरा चैनल देख रहे हैं मोहन सर लेक्चर 01। देखिए फ्रेंड, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पे आपको जो भी आपका कंपटीशन का एग्ज़ाम होता है, जैसे SSC CGL है आपका, 10+2 लेवल है, हरियाणा पुलिस है, UP पुलिस है, या फिर STET CTET कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जिसमें मैथमेटिक्स पूछा जाता है, इसके अंदर मैं आपको जो आपके ये 18 से 20 टॉपिक बनते हैं ना, बिल्कुल कंप्लीट पैकेज कराऊंगा और बिल्कुल फ्री में आपको प्रोवाइड होगा। तो इसके लिए एक छोटा सा वर्क करना है, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर सब्सक्राइब आपको जो है करना है। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको टॉप 30 सम कराऊंगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसको अनुपात और सम अनुपात कहते हैं। देखिए वीडियो में क्या है, पहला सम कर लेते हैं। पहले सम में ये क्या कहता है कि भाई संख्या है, आपको संख्याएं दे दी हैं, 6, 8 और 9 का चतुर्थ अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए फ्रेंड, जब भी ये चतुर्थ अनुपात बोले ना, तो जो ये संख्याएं हैं ना, इनको पहले आप लिख लीजिए। क्या क्या संख्या है आपकी, 6 अनुपात 8, ये चतुर्थ अनुपात का सिंबल होता है, 9 अनुपात, जब चौथा मानना है ना उसको x मान लीजिए, क्योंकि 1, 2, 3 तो हो गया, चौथे को आप क्या मान लीजिए, x। अब देखिए मल्टीप्लाई कैसे करनी है, फर्स्ट की लास्ट के साथ और सेकंड की सेकंड लास्ट के साथ इनकी मल्टीप्लाई करनी है। कैसे, 6 की जब x के साथ करोगे आप मल्टीप्लाई, 6x = 8 की 9 के साथ करोगे, 8 को 9 से गुणा। ये x मल्टीप्लाई में है, ये कहां पे आ जाएगा फ्रेंड, डिवाइड में आ जाएगा, कैंसिल कर दीजिए, 3 × 6 = 3, 3 × 9 और 2 × 8 और 4 × 3 = 12, यानी कि जो x का जो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा वो आपका 12 आ जाएगा। नेक्स्ट सम देखिए, नेक्स्ट सम में क्या कहता है फ्रेंड, ये आपको संख्या गिवन है, संख्या 3 और 6 का तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे तीसरा अनुपात जो है ज्ञात करना है। जब भी तीसरा अनुपात आपने फ्रेंड ज्ञात करना हो ना, तो एक बात आप बिल्कुल अपने माइंड में फिट कर लीजिएगा। क्या बात, जो ये 3 है ना, जो आगे ये 6 है, इसको रिपीट कर दीजिए, यहां भी 6 लिख दीजिए आप, यहां भी 6 लिख दीजिए, और लास्ट में क्या करिएगा फ्रेंड, x करिएगा। ठीक है फ्रेंड, अब क्या करना है, वही मल्टीप्लाई इसकी इसके साथ करेंगे, फर्स्ट की लास्ट के साथ, 3 × x = 6 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 6 से। ठीक है, ये ठीक है फ्रेंड, ये x के साथ मल्टीप्लाई में है, ये कहां पे आ जाएगा आपका, डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, 3 × 3 = 6 और 6 × 12, ये आपका तृतीय अनुपात है। आई थिंक सो यहां तक आप समझ गए होंगे। देखिए फ्रेंड, जैसे जैसे वीडियो आगे जाती रहेगी ना, डिफिकल्टी लेवल भी आपका जो है बढ़ता जाएगा, तो हर एक वीडियो को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। देखिए नेक्स्ट वीडियो में क्या कहता है, ये 2 संख्याओं में 9 अनुपात 11 का अनुपात है, यदि दोनों संख्याओं का योग 660 है, तो दोनों संख्याओं के बीच का, देखिए यहां पे का है, ये अंतर है आगे का, अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए ये अंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है फ्रेंड, चलिए इसको करते हैं सोल्व। 2 संख्याओं में, देखिए ट्रिक से करेंगे इसको, 2 संख्याओं में अनुपात कितने का फ्रेंड, यानी कि अनुपात को 9/11 लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, जो नीचे होता है ना फ्रेंड, याद रखना ये मेन संख्या होती है अपनी, ठीक है, ये मेन संख्या होती है, ठीक है, ये ऊपरली होती है, इसमें इंक्रीमेंट होता है या फिर डिक्रीज होता है, वो होता है। यदि दोनों संख्याओं का योग, ठीक है फ्रेंड, आप समझिएगा, अगर मैं इन दोनों संख्याओं को जोड़ दूं, यानी कि 9 + 11, तो वो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। मेरे अकॉर्डिंग दोनों संख्याओं का योग कितना है, 20, पर स्टेटमेंट में कितना देता है ये, 60, यानी कि मेरे 20 इसके 60 के इक्वल हैं, तो मेरा 1 इसके किसके इक्वल होगा, 60 / 20, तो इसे कैंसिल कर दीजिए, तो 2 × 6 = 2 × 6 = 33। ठीक है, तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात करना है। अब इनका अंतर ज्ञात कर दीजिए, यानी कि 11 में से 9 गया, कितना आया है, 2, तो मेरा 1 किसके बराबर था, 33 के बराबर, तो मेरे 2 किसके बराबर हो जाएंगे, क्योंकि अंतर ज्ञात करना था ना, 33 को गुणा कर दो 2 से और 33 × 66। आई थिंक सो ये सम मैं आपको समझा पाया। नेक्स्ट सम देखिए फ्रेंड,
नेक्स्ट सब में क्या कहता है ये, एक थैली में रुपया एक, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्याओं का अनुपात दे दिया है यहाँ पे। यदि थैले में, ये यहाँ पे में है, यदि थैले में कुल राशि 430 रुपये है तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या निकालिए। देखिए फ्रेंड, यहाँ इस सम को भी ट्रिक से करूँगा, कहीं बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो आप ध्यान रखिएगा। जो आपको उसकी संख्याओं का जो अनुपात गिवन होता है ना फ्रेंड, उसको लिख लीजिए आप, यानी कि 5:7:9। अब आपको पता होना चाहिए फ्रेंड, एक रुपये में, एक रुपये का सिक्का एक ही होता है, एक रुपये में 50 पैसे के सिक्के दो होते हैं, एक रुपये में 25 पैसे के सिक्के चार होते हैं। आई थिंक सो मैं ये यहां तक आपको समझा पाया। इसके बाद क्या करना है फ्रेंड, इस रेशियो को आपने सोल्व कर लेना है। और रेशियो को भी सोल्व कैसे करना है, जो ये डिनोमिनेटर है ना, इसका एलसीएम ले लो, यानी कि 1, 2, 4 का आप लघुत्तम समापवर्तक कर लो। इसका जब एलसीएम फाइंड आउट करोगे ना, जैसे 2 से करोगे 1 और ये 2 से करोगे ये 1, 1, 1, 2 × 4 आ जाएगा। इस जो ये फर्स्ट है आपकी, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो सेकंड है इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जो आपकी थर्ड है इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसके बाद क्या करेंगे फ्रेंड, कैंसिल कर दीजिए, तो नहीं होता 5 × 20, ये 2 × 4 और 7 × 14, 4 से 4 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 9। आप ये बात याद रखिएगा, जो ये नया आपका अनुपात आया है, ये टोटल रुपीज हैं आपके पास, यानी कि टोटल रुपीज कितने हैं, 20, 30, 34 में अगर 9 को ऐड करो आप, तो आपके पास कितने बन गए, अगर आप 34 में 9 को ऐड करोगे तो 43 हो जाएंगे, यानी कि कुल रुपये आपके पास आपके अकॉर्डिंग 43 हैं, पर स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कितने हैं, 430, यानी कि हमारा 43 इसके 430 के इक्वल है। तो हमारा 1 किसके इक्वल है, 10 के इक्वल, क्योंकि आप लिख सकते हैं यहाँ पे 430/43, ये कट के कितना आ जाएगा यहाँ पे 10, यानी कि हमारा 1 किसके इक्वल आ जाएगा, 10 के इक्वल। अब देखिए हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने फाइंड आउट करना है तो प्रत्येक प्रकार की सिक्कों की संख्या निकाल लो। देखो अब देखिए यहां पे ये रुपीज हैं, हमारा 1 10 के इक्वल है, तो 20 किसके इक्वल हो जाएंगे, 200 के, क्योंकि 20 को 10 से गुणा कर दीजिए अनुपात। हमारा 1 10 के इक्वल है तो 14 140 के, और 9 किसके इक्वल हो जाएंगे फ्रेंड, 90 के। अब देखो आप एक बात यहां पे ध्यान रखना भाई, 1 रुपये का सिक्का 200 रुपये में कितने होंगे, 200 ही सिक्के होंगे, क्योंकि इन्होंने क्या सिक्कों की संख्या निकालनी है, सिक्कों की संख्या भाई। 140 रुपये में 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, ओबीवियसली 1 रुपये में 2 होते हैं, तो 140 रुपये में 280 होंगे, ठीक है। इसी प्रकार 90 रुपये में, 90 रुपये में 25 पैसे के सिक्के कितने होते हैं, 1 रुपये में 4 होते हैं, तो 90 रुपये में कितने होंगे, 360 हो गए, क्योंकि 90 × 4 = 360 होता है। तो ये जो अनुपात आया है ना, ये सिक्कों का अनुपात आया है, ये रुपये हैं, अगर वो सिक्के इस अनुपात में हैं। फ्रेंड आई थिंक सो मैं ये सम आपको समझा पाया, ये इंपॉर्टेंट है, कई जगह यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक थैले में समान संख्या के 50, 25 और 20 पैसे और 5 पैसे के सिक्के क्रमश हैं, भाई इसी क्रम में हैं। यदि कुल मान ₹40 है, भाई सिक्कों का जो कुल मान है ना वो ₹40 है, तो बैग में प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं, ठीक है। अब देखो मैंने आपको बोला था कि भाई अगर उसका अनुपात दे दे वो सिक्कों का, उसको अगर इनसे डिवाइड कर दिया जाए तो टोटल रुपीज आ जाता है। अब ये क्या बोलता है भाई, यहां पे देखना, ये समान संख्या, भाई उनकी संख्या समान है, यानी कि उनका अनुपात समान है। अगर आप अनुपात यहां पे एक अनुपात भी ले लो ना, तो ये अनुपात समान हो जाता है, यानी कि उनका अनुपात समान है। अब देखिए यहां पे देखिए,
हमने क्या किया था, अनुपात बटे जो 1 रुपये में इनकी वैल्यू होती है। 1 रुपये में 50 पैसे के सिक्के कितने होते हैं फ्रेंड, 2। 25 पीसे के होते हैं 4। 20 पीसे के होते हैं 5। और 5 पीसे के होते हैं 20, क्योंकि आप है ना 100 पीसे को डिवाइड करना एक बार 5 से, तो ये 20 आ जाएगा, एक बार 20 से, एक बार 25 से, एक बार 50 से, तो ये आ जाएगा। अब जो ये आपका रेशियो आया है इसको आप सोल्व आउट कर लीजिए, ये टोटल रुपीज आ जाएंगे फ्रेंड आपके पास। जब आप इसको सोल्व कर लेंगे तो देखना ये सबसे बड़ा होता है ना, ये इसका एलसीएम होता है, तो 20 से इसको भी मल्टीप्लाई, सभी टर्म को आप किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20 से थ्रू आउट कर दीजिए, ठीक है। तो 1/5 मल्टीप्लाई बाई 20 एंड 1/20 मल्टीप्लाई बाई 20। देखिए फ्रेंड क्या होगा, अब इसको सोल्व कर लीजिए, ये तो 10 पे आपका कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 5 पे, ये आपका 4 पे और ये 1 पे, ठीक है। ये आपके पास टोटल रुपीज हैं। अब आप समझिए टोटल रुपीज कैसे हैं, 10 प्लस 5 15, 15 और 4 19 और 1 20, हमारे 20 इसके कितने रुपीज के बराबर हैं, 40 के, तो हमारा 1 किसके बराबर है, 2 के, ठीक है, क्योंकि 40 बटा 20 करोगे 2 आ जाएगा। अब देखिए इन्होंने कहा तो बैग में प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं, तो देखो हमारा 1 2 के बराबर है, तो हमारे 10 किसके बराबर हो जाएंगे, आपको पता होना चाहिए, इन्होंने कहा है तो बैग में प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं, भाई बैग में जो आपके प्रकार हैं उनके कितने सिक्के हैं, भाई टोटल सिक्के निकालने थे, ठीक है फ्रेंड। तो अब देखो ये जो है हमारे पास कुल पैसे आ गए, भाई इतने पैसे हैं, ठीक है। अगर आप इस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फ्रेंड देखिएगा समझिएगा रुपीज आएंगे, 10 किसके बराबर हो गए, 2 के बराबर, 5 10 के बराबर क्योंकि 1 2 के बराबर है, 4 8 के बराबर और 1 2 के बराबर, ठीक है। यानी कि जो 20 रुपये हैं उसमें 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, 20 रुपये में आपको पता है हाफ होंगे 10 होंगे, प्लस 10 रुपये में 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे फ्रेंड, आपको पता है 25 पैसे के सिक्के कितने होंगे फ्रेंड, आपको देखिए इन्होंने क्या बोला है, तो बैग में प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं, प्रत्येक प्रकार के भाई कितने सिक्के हैं, तो आप एक बात नोट करिएगा। चलिए हम एक बात और बता देते हैं आपको, यहाँ पे अगर आप इनको ही ऐड कर दीजिए, ये क्या आए हैं, टोटल रुपीज आए हैं कि भाई 20 रुपये तो आपके पास 50-50 पैसे सिक्के हैं, 10 रुपये आपके पास 25-25 पैसे के सिक्के में से हैं, 8 रुपये 20 पैसे के सिक्के में से हैं और 2 रुपये 5 पैसों के सिक्के में से हैं, तो ये टोटल सिक्के तो ये ही होंगे ना आपके पास जो टोटल हैं, तो इनको ऐड कर दीजिए, 20 और 10 30, 30 38 और 2 40, तो ये आ जाएगा आपका। यानी कि जो बैग में जो प्रत्येक प्रकार के आपके पास टोटल 40 सिक्के हैं, उन 40 सिक्कों की वैल्यू वो कितनी है, 40 रुपये ही है, ये आपको गिवन है मैथ में, ठीक है फ्रेंड, क्योंकि ये 40 सिक्के हैं और उन 40 सिक्कों की वैल्यू 40 रुपये हैं, चाहे इसमें 25 पैसे के कितने ही रहे हों, बट टोटल सिक्के बैग में इतने हैं। आई थिंक सो मैं ये सम आपको समझा पाया। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्या कहता है ये, देखिए ये ट्रिक वाले सम स्टार्ट हो जाते हैं, सिक्स सम है ये आपका। क्या कहता है, एक व्यक्ति 11 लीटर दूध में 6 लीटर पानी मिलाता है और दूसरे 8 लीटर दूध में 9 लीटर पानी मिलाता है, तो दोनों मिश्रण में दूध का अनुपात क्या होगा। तो आपने कुछ नहीं करना, 11 लीटर दूध है 6 लीटर पानी है, ऊपर तो 11 लीटर दूध रखना है क्योंकि ये दूध का ही अनुपात पूछता है ना, अगर पानी का पूछता तो ऊपर 6 को रखते, अब दूध का पूछ रहा है तो ऊपर 11 रखना, नीचे इन दोनों का टोटल यानी कि 11 प्लस 6, ठीक है, उसका अनुपात करना है आपने किसके साथ, ये भी दूध का पूछ रहे ना, तो 8 लीटर दूध था तो 8 को ऊपर रखो, नीचे 8 प्लस 9, आप देखोगे 11 बटे 11 में 6 जोड़ोगे 17 हो जाएगा और 9 में 8 जोड़ोगे वो भी 17 हो जाएगा। और एक आपको एक बात भी कंफर्म होनी चाहिए यहाँ से फ्रेंड, जो रेशियो होता है ना, अगर ये सेम होना, डिनोमिनेटर कट जाते हैं ये एक दूसरे से, ठीक है, ये कट जाते हैं, इसका कारण है अगर 11 बटे 17 बटे
8/17 करूंगा ना, तो याद रखना अगर बटे के नीचे भी बटा हो ना, क्योंकि ये बटा इसके नीचे भी बटा तो बटा ऊपर जाके रोटेट हो जाता है, 17/8 हो जाएगा, इससे ये कट का आपका जो रेशियो कितना आ जाएगा 11:8, जो कि आपका फाइनल आंसर होगा। आई थिंक सो ये सब मैं आपको समझा पाया, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट सम में ये क्या कहता है, नेक्स्ट सम में कहता है ये दो बर्तनों में बराबर मात्रा के दूध और पानी का दो मिश्रण है, भाई दूध और पानी का मिश्रण है, पहला तो मिल्क है, दूसरा वाटर है, मिल्क एंड वाटर। देखो पहले दूध बोलेगा तो ये दूध लेना है, पहले अगर ये वाटर पानी बोलेगा तो फिर पानी लेना है। आगे देखो क्या बोलता है, अब दोनों मिश्रणों को पूर्णतः मिलाया जाता है, नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करें। देखिए क्या करना है आपने, देखिए बिल्कुल इजी सा सम है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है फ्रेंड, आपने एक छोटा सा काम करना है। ये क्या कहता है, दूध और पानी का अनुपात यू है, भाई दूध इतना है पानी इतना, इसमें दूध इतना है और पानी इतना है, दोनों मिश्रणों को मिलाया जाता है, नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात पहला लिख लीजिए 8:9, दूसरा लिख लीजिए 12:5। अब यहां पे ना इन दोनों का जोड़ करिए, क्यों यार 8 और 9 कितने हो गए 17, और 12 और 5 कितने हो गए फ्रेंड, वो भी कितने हो गए 17। अगर ये दोनों बराबर आ जाएं, समझना, अगर ये दोनों बराबर आ जाएं तो आपने सिर्फ इनका जोड़ कर देना है, नॉर्मल सी 12 और 8 20 अनुपात 9 और 5 14, अरे ना काट दो, 2 दाए 20 और 2 सते 14, तो नया अनुपात ये हो जाएगा। देखो फ्रेंड ये एक ट्रिक है इसको करने का, इस टाइप के सवाल को करने का। नेक्स्ट देखिए क्या करना है, दोनों अनुपात लिख लेने हैं, इन दोनों का जोड़ कर देना है, अगर यू जोड़ बराबर आ जाए तो दोनों ने जोड़ दो, अगर ये एक पैड़े पर कट दो तो काट दो, यू ही अनुपात आपका जो है नया जो है अनुपात होगा। नेक्स्ट सम देखिए 8th सम, मैं आपको 30 सम कराऊंगा फ्रेंड, ये आठवां सम है, बिल्कुल ट्रिक से कराए जाएंगे सारे सम। ₹950 की धनराशि को ABC के बीच इस अनुपात में बांटना है, भाई 5:11:3 विभाजित किया जाता है बी और ए के हिस्से के बीच का अंतर ज्ञात करना है फ्रेंड, क्या करना है अंतर। अब देखो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये इसका अनुपात दे दिया, इस अनुपात में राशि बटी है, तो इस अनुपात को आप पहले ऐड कर लीजिए, यानी कि 5+11+3 तो कितने हो गए, 11 और 5 16 और 3 19, 19 का मान आपको दे दिया है फ्रेंड 950, और आपको पता है 950/19 आ जाएगा, और 19 5 95 है, 1 का मान 50 आ जाएगा। यहां तक आपने मतलब देखना है, ये ट्रिक है इसका, हमारा एक इसके 50 के बराबर, आगे क्या बोला है यू बी और ए के हिस्सों के बीच का अंतर, देखो बी और ए यानी कि इनके बीच का अंतर कितना है 11-5 यानी कि 6, भाई मारा एक इसके, मारा एक इसके 50 के बराबर है, तो मेरे 6 किसके बराबर होंगे इसके, तो 50 × 6 6 5 30 यानी कि 300 का, यानी कि जो ए और बी के हिस्सों का जो अंतर होगा ना वो फ्रेंड कितना होगा आपका 300 होगा। नेक्स्ट सम देख लीजिए, नेक्स्ट सम में ये क्या कहता है, 9th सम है आपका, ए और बी सोने और तांबे के दो मिश्रण 7:2 7:11 में क्रमशः तैयार किया जाता है, यदि बराबर मात्रा में मिश्रण ए बी को मिलाकर एक तीसरा मिश्रण सी तैयार किया जाता है तो मिश्रण सी में सोने और तांबे के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए है वही टाइप, कैसे मैंने आपको बताया था, इन दोनों को लिख लीजिए, इन दोनों को लिख लीजिए अनुपात को, ऐड कर दीजिए 7 और 2 9 11 और 7 18। अब मैंने क्या कहा था, अगर ये दोनों इक्वल होते, यहां भी 18 होता यहां भी 18 होता तो इनको सिर्फ ऐड करना था, बट यहां 9 है यहां 18 तो इक्वल करिए, इसको इक्वल करिए, कैसे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 9 × 2 = 18 हो जाएगा, इसको भी आप 2 से कर दो, इसको भी 2 से, तो नया अनुपात देखिए क्या होगा, 7 × 14 2 × 4 और 9 × 18 14:11 और ये 18। देखो अब ये बराबर है, मैं नहीं ये बराबर करना,
अब ये बराबर हो गया ना, तो ऐड कर दो सिर्फ, ये 21 हो जाएगा, अनुपात 11, ये 15 हो जाएगा, तो काट दो 3 से 21 और 3 5 15, तो आपका जो नया अनुपात होगा ना 7 अनुपात होगा। भाई एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट सम है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट सम भी बिल्कुल ईजी है। तीन संख्याओं का योग 105 है, यदि पहली और दूसरी संख्या के बीच का अनुपात इतना है तथा दूसरी और तीसरी संख्या के बीच का अनुपात इतना है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो फ्रेंड, मैं आपको इसको ट्रिक से समझाऊंगा। देखो ए बी हम पहली और दूसरी संख्या मान लें, उनका अनुपात कितना है 2:3, और आगे दूसरी और तीसरी, तीसरी को मैं सी मान लेता हूं, उनके बीच का अनुपात है 4:5। देखो आपने क्या करना है यहां पर, अगर मैं ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना चाहूं ना, तो मैंने क्या करना पड़ेगा, पहले इन दोनों गुणा कर दो, 4 2 8, फिर इन दोनों गुणा कर दो, 5 3 15, ठीक है फ्रेंड। फिर आपने देखो इन दोनों की गुणा करनी है, ना कि इन दोनों की, इन दोनों की करनी है, 4 3 12, तो यू ए बी सी का डायरेक्ट अनुपात आ गया आपके पास। अगर मैं इन्हें जोड़ दूं तो यह 80 आ जाएगी, इनका योग 105 के बराबर। तो अगर मैं इन्हें जोड़ दूं 12 8 20 सर 10 30 सर 5 35, 35 का मान 105, तो एक का मान कितना गया 105/35, ठीक है फ्रेंड। और आपको पता है 35 3 105 होता है, यानी कि एक का मान 3 आ गया, यहां तक बात ठीक है। अब ये बोलता तो दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या क्या है 12, मारा एक का मान 3 के बराबर है, तो इसलिए मारे 12 का मान किसके बराबर हो जाएगा, 12 गुणा 3 36 के बराबर, तो दूसरी संख्या आपकी 36 होगी। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल, अभी देखो ट्रिक लग गया है इस पर, बिल्कुल अच्छा सा ट्रिक लग गया है, ठीक है। यदि ए अनुपात बी, देखिए यहां पे आपको समझ में आओगे ये अनुपात कैसे आपने जो है फाइंड आउट करना है। ए अनुपात बी दे दिया आपको, कितना दे दिया 3:4, बी अनुपात सी दे दिया आपको 5:7, सी अनुपात डी दे दिया 3:5, ठीक है। अब आपने निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, आपने ये निकालना है। देखो कैसे निकालना है, पहले इनकी गुणा कर दो, 3 3 9 और 9 5 45, ठीक है, ये तो 45 आ गया, ठीक है। इनकी गुणा कर दो, 70 5 35 70 2 140, ये 140 है गया। अब ऐसे चलना आपने, इन दोनों की गुणा करनी है, ऐसे चलते आना है आपने, ठीक है। कैसे, 4 5 20, 20 3 60, उसके बाद आपने इस तरह से गए थे ना, अब इसको इसको और इसको गुणा करनी है, कैसे, 7 4 28 और 28 3 84, ठीक है। ये तो ये आप कह गया फ्रेंड, देखो सिंपल सा, कुछ करना भी नहीं पड़ा, बिल्कुल इजी ट्रिक था। देखो करना कैसे, इनकी गुणा करेंगे ए का मान आओगे, इनके गुणा करेंगे लास्ट का मान आ जाएगा। फिर आपने एक बार ऐसे जाना है, फिर आपने इसको ऐसे जाना है, ठीक है फ्रेंड, ये इसका ट्रिक है। देखो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, बाकी ट्रिक ऐसे बता देंगे आप तक कि आपने रट्टा नहीं मारना पड़ा, ठीक है, बिल्कुल इजी इजी ट्रिक है ना। एक शिकारी कुत्ता एक खरगोश का पीछा करता है। देखो कई बार एग्जाम में आप तभी जो, अगर आप एक्सपर्ट हो गए एग्जाम के, तो कई बार आपने ऐसा ही सवाल फेस किया होगा, भाई एक डॉग एक रैबिट है, डॉग है एक रैबिट है, खरगोश की 7 छलांग, भाई जो रैबिट है उसकी 7 छलांग के बदले खुद 6 छलांगे लगाता है, यानी कि कुत्ता है ना, जब खरगोश 7 छलांग लगाते हैं, यानी कि रैबिट 7 छलांग लगाते हैं ना, तो कुत्ता 6 ही छलांग लगाता है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है फ्रेंड, यहां तक आया आपको समझ में। यदि शिकारी कुत्ते के 5 छलांग खरगोश की 6 छलांग के बराबर है, यानी कि रैबिट की 6 छलांग और शिकारी कुत्ते की 5 छलांग बराबर हैं, तो दोनों की गति की तुलना करें। देखिए फ्रेंड थोड़ा सवाल मोल्ड है, इसमें यह था कि भाई कुत्ता है ना खरगोश को पकड़ लेगा, अगर कुत्ता खरगोश को पकड़ लेगा तो कुत्ते की चाल ज्यादा होगी और खरगोश की कम होगी, तभी तो पकड़ लेगा। अगर मान लीजिए खरगोश की चाल ज्यादा होती तो कुत्ता कहां से पकड़ लेता खरगोश को, खरगोश तो भाग जाता। तो आपके दोनों पात आओगे, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दिए, 6 6 36 अनुपात 57 35, यहां पे आपको दोनों ऑप्शन में मिलेंगे,
36 अनुपात 35 भी लगा और 35 अनुपात 36 भी लगा, ये और ये ऑप्शन में मिलेंगे क्योंकि कंफ्यूजन होगी। ये तो कर लेंगे आप गुणा, अगर आगे पीछे टेक दिए तो गलती हो जाएगी। तो याद रखना ये स्टेटमेंट थोड़ी सी मेरे को अच्छी नहीं लग रही, इसमें यूं लिखना था इन्होंने कि भाई कुत्ता खरगोश को पकड़ लेगा तो डॉग को आगे रखना है और जो कम स्पीड है उसको पीछे रखना है। आई थिंक सो ये सम आपको समझा पाया बिल्कुल इजी वे से। नेक्स्ट देखिए, ये भी बिल्कुल इजी सम है। 28 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात इतना है, यानी कि 5:2 है। मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए ताकि दूध और पानी का अनुपात 2:5 हो जाए। देखिए बिल्कुल इजी सा सवाल है फ्रेंड, भाई पहला दूध ये मिल्क है, ये वाटर है, दो है, इसमें इन्होंने पानी मिलाया। देखो एक समझने की बात है भाई, मिश्रण में पानी मिलाया, मिल्क तो सेम रहा होगा ना, यानी कि दूध तो सेम रहा होगा, तो दूध को सेम कर लीजिए। दूध को सेम करने खातर अगर मैं इसको 2 मल्टीप्लाई कर दूं पूरे ना, इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 10-10 हो जाएंगे, पर करना इनको भी है क्योंकि रेशियो है, बराबर मात्रा में वृद्धि होती है। तो इसको 2 तक करेंगे 5 × 10 और 2 × 4, इसको 5 तक करेंगे 5 × 10 और 5×5=25। ठीक है, आप देखो दूध बराबर आएगी। अब इसने कितना पानी गिरा है, 25 मत 4 गए 16 यूनिट पानी गिरा है। ठीक है, यहां तक बात सही है। अब देखो इन्हें कहा है 28 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी इतना है, यानी कि पहला मिश्रण कितना है, यानी कि ये वाला मिश्रण किसके बराबर है, 28 के बराबर है, यानी कि 10+4=28 के बराबर है, और 14 किसके बराबर हो गया, 28 के, तुम्हारा 1 किसके बराबर हो गया, 28/14, यानी कि 14×28 1 2 के बराबर हो गया। तो मैं क्योंकि इन्होंने क्या बोला है भाई, इसमें कितना पानी मिलाया, मैं अकॉर्डिंग 16 यूनिट मिलाया, बट मेरी 1 यूनिट 2 के बराबर है, तो मेरी 16 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी, 16×2 16×32। ठीक है फ्रेंड, ये आपका 32 लीटर आ जाएगा। एक मिनट और मैं इसको जो कर लेता हूं, देखिए क्या कहता है ये, 5:2 है, पानी मिलाया जाए ताकि दूध और पानी का मिश्रण कितना हो जाए, 2:5 हो जाए। ठीक है फ्रेंड, अब 16 × 4=20 होते हैं फ्रेंड, है ना, 25 में तो ये 21 आओगे फ्रेंड, यहाँ पे 21 आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि 25 मत है 4 गया, 21 ही तो बनते हैं ना फ्रेंड। हाँ, तो ये थोड़ा है, यहाँ से दोबारा कर देते हैं, मैं भी ये आंसर मैच करना था ना, ये तो बाय मिस्टेक हो गया। 21 किसके बराबर है, 28 के, तो 1 किसके बराबर है, 28/21, इसलिए हमने किसकी वैल्यू निकालनी थी, हमने तो वैल्यू निकालनी थी किसकी फ्रेंड, यानी कि 21 किसके बराबर होना था, 28 के बराबर होना था, 1 बराबर नहीं 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 10 × 4=14 ही होना है, ये 14/28 है, ये ठीक है। एक का मान कितना बराबर आ गया, 2 के बराबर आ गया, इसलिए यहां पर हमने 16 की जगह 21 की वैल्यू निकालनी है, बस 21 की, यहां पे कितना कर दो 21, और 21×2 कितना हो जाएगा, ये 42 हो जाएगा, ये फ्रेंड ठीक है। ठीक है, क्योंकि ये इनिशियल मात्र हो जाएगा, अगर 10 में 4 जोड़ देना तो जो 28 लीटर पहले था ना, ये पहले वाली क्वांटिटी, अगर 25 में 10 जोड़ दो तो ये बाद वाली क्वांटिटी होगी, बट हमने तो 1 यूनिट की वैल्यू चाहिए ना, 1 यूनिट की वैल्यू आपने यहां से मिल जाएगी, तो हम 21 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग 21 यूनिट है, 1 यूनिट अगर 2 के बराबर है तो 21 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगी, 42 के। देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें भी आपको बिल्कुल अच्छे से ये समझो है, समझ में आ जाएगा। 60 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, यानी कि मिल्क और वाटर का अनुपात इतना है, ये मिल्क है कि ये वाटर है, यदि दूध और पानी के अनुपात में 1:2 करना है, भाई 1:2 करना है, तो इसमें कितने लीटर पानी मिलाया जाए। देखो फ्रेंड समझिएगा, दूध और पानी का अनुपात है, उसमें हम पानी डालेंगे, दूध तो नहीं डालेंगे क्योंकि घाटा हो जाएगा, बट पानी डालेंगे, चेंज तो पानी की रेशियो में ही होगा ना, दूध तो सेम रहेगा मिक्सचर में, तो हमने क्या करना है, मिल्क है ना उसको बराबर कर लेना है। बराबर करने खातर आप इसको तो इससे गुणा कर दीजिए और इसको इससे गुणा कर दीजिए, पर करना थ्रू आउट है, इसको भी इसको भी, यानी कि 2 को 1 से मल्टीप्लाई, 1 को 1 से, इसी प्रकार 1 को 2 से, 2 को 2 से, तो 2 को 1 से करोगे 2×1=2, 1 सेम रहेगा यहाँ पे, 2 × 2=4। देखिए कई यूनिट पानी मिलाया है, 3 यूनिट पानी मिलाया है, क्योंकि 1 तय 4 हो गया पानी। अब देखो इनिशियल में कितना था, 60 लीटर था, बट मेरे पास कितना था,
तीन लीटर था हमारा, तीन का मान इसके 60 के बराबर, हमारा एक का मान इसके 20 के बराबर, क्योंकि 60 बटा 3 करेंगे तो 20 आ जाएगा, तो इसलिए हमारे अकॉर्डिंग 3 यूनिट पानी मिलाया था, तो 3 गुना 20, 20 दिया 60 लीटर। आई थिंक सो मैं ये सम आपको समझा पाया। नेक्स्ट देखिए, बिल्कुल इजी सा सम था। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 9:4 अनुपात में है, यदि 4 लीटर पानी मिलाने पर, अब यहां पे आपको दे दिया भाई कितने लीटर पानी मिलाया है, 4 लीटर पानी मिलाने पर दूध और पानी का अनुपात 3:2 हो जाता है। प्रारंभिक मिश्रण की कुल मात्रा निकाले, देखिए दूसरी टाइप है, उसमें प्रारंभिक मिश्रण देते थे जैसे उसमें 60 लीटर दे रखा था, बट इसमें यह दे रखा है भाई कितनी यूनिट पानी मिलाया गया। देखो यहां पे 9:4 है और बाद में मिश्रण हो गया 3:2, बट आपने एक बात समझनी है, इसमें मिलाया क्या है पानी, पर जो मिल्क है वो तो सेम रहना चाहिए ना, तो इसको पहले सेम कर लो। कैसे? 9:4, अगर इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 3 × 9 और 3 × 2 = 6, ये सेम हो गए, यानी कि मिल्क सेम होगा। वाटर कितना मिलाया? 2 यूनिट, ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग 2 यूनिट मिलाया, बट इसके अकॉर्डिंग कितने? 4 लीटर पानी मिलाने पर इसके अकॉर्डिंग 4 यूनिट मिलाया, यानी कि हमारी 2 यूनिट इसकी 4 यूनिट के बराबर हो जाएगी, तो हमारी 1 यूनिट 2 के बराबर हो जाएगी। इन्होंने क्या पूछा? प्रारंभिक मिश्रण की कुल मात्रा, प्रारंभ में कितना था? 9 और 4 = 13, तो हमारा 1 2 के बराबर है, तो हमारे 13 किसके बराबर हो जाएंगे भाई? 2 × 13 = 26 लीटर। आई थिंक सो ये सवाल मैं आपको समझा पाया। देखिए बिल्कुल इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। नेक्स्ट देखिए, दो संख्याओं के बीच 5:7 का अनुपात है, यदि प्रत्येक में 2 घटाया जाए तो अनुपात 7:3 हो जाता है, संख्या निकाले भाई। देखो प्रत्येक में से हमने कितना घटाया है? 2 घटाया है, ठीक है, और अनुपात कितना हो गया? 2 घटाने था 7:3 हो गया। देखो कैसे आपने क्या करना है, इसको 5x ले लेना है, इसको 7x लेना है, प्रत्येक में से 2 2 घटा देना है, क्योंकि इससे ये कट जाएगा, अनुपात में कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे 5:7 है ना, तो x लिख दो, अब इसमें से भी 2 घटा दो, अगर ये जमा का हुआ तो यहाँ जोड़ दो, घटा का हुआ तो घटा दो, तो अब अनुपात कितने हो गया? 7:3 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसकी इसके साथ, 15 × 3 = 45 और 3 × 6 = 6, ऐसे ही 37 × 49 और 7 × 14। अब देखो 45 में से 49 गए, ये तो 4x रह गए, या 14 में से 6 गए 8, यानी कि x का मान कितना आ गया? 2। तो इन्हें क्या बोला था? तो संख्या निकाल ले, संख्या क्या माननी थी हमने? 5x/7x, और सॉरी ये 15 है, तो 15 को x का मान कितना आया है? 2 रख दो, तो ये 7 × 2, तो 15 × 30 और 7 × 14, तो ये 30:14 इसका जो है फाइनल आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड, ये देखिए 17वां सम इसका, ए और बी की आमदनी का अनुपात 9:4 है और उनके खर्चों का अनुपात 7:3 है, यदि प्रत्येक 2000 का की बचत करता है, ये की है, 2000 की बचत करता है, 2000 रुपये की बचत करता है, तो दोनों की आमदनी ज्ञात करो। देखो फ्रेंड मैं बताता हूँ, देखो उनकी आमदनी एक की है 9x, एक की है 4x, ये इनकी आमदनी है, ठीक है, यू खर्चा है या बचत है, ठीक है। अगर मैं आमदनी मत है, मैं बचत को घटा दूं, भाई यू भी 2000 की बचत कर रहा है, यू भी 2000 की बचत कर रहा है, तो यू इसका खर्चा नहीं आ जाएगा भाई। एक सिंपल सी बात है, अगर मैं आमदनी मत है उसकी बचत घटा दूं, तो यू खर्चा नहीं आ जाएगा, यू खर्चे का अनुपात है, यू इसका जो है खर्चा ही तो आ गया। आमदनी मत अगर बचत घटा दी, ऊपर का खर्चा नीचे खर्चा, यू खर्चे का अनुपात है, यू आपको दे दिया इन्होंने। देखिए अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसकी, तो 9 × 3 = 27x और ये हो जाएगा 3 × 6 = 1000, 7 × 2 = 28x और 7 × 14 = 1000, ठीक है फ्रेंड। तो 28 में 27 गए तो 1 बच गया, तो यहाँ 8000 बच गए, यानी कि x का मान कितना आ गया? 8000 आ गया। तो दोनों की आमदनी क्या है भाई? आमदनी का अनुपात कितना था? 9x और 4x था ना, x की जगह आप 8 टेक दो, 8000 और यू 4000, 8000 तो ये कितना होगा? 9 × 8 = 72000 / 32000,
ये क्या है, ये इसकी जो है आमंदनी का अनुपात है, यू आमंदनी का अनुपात है, यही जो है फाइंड आउट करना था। देखो फ्रेंड इंपॉर्टेंट सवाल है, थोड़ा सा वर्क अगर आप एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे इस सम की, ये आपको बिल्कुल इजी वे से समझ में आ जाएगा, इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट देखिए 18वां सवाल क्या कहता है, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:3 है, 6 लीटर पानी मिलाने पर दूध और पानी का अनुपात इतना हो जाता है, नए मिश्रण की कुल मात्रा निकाल ले। देखो फ्रेंड जो नया मिश्रण है उसकी मात्रा निकाल ले, देखो 4:3 है, ये मिल्क है ये वाटर है, हैं ये 8:7 है, 6 लीटर पानी मिलाया है, ठीक है, यानी कि दूध तो सेम रहा है, दूध को सेम करने के लिए इसको है ना 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 4×8 हो जाएगा अनुपात, और 3×6 हो जाएगा ये 8:7। देखो मिल्क तो सेम हो गया, वाटर की क्या यूनिट मिलाई, 1 यूनिट, 1 का मान कितना है गया 6 हो गया। अब ये नए मिश्रण में कुल मात्रा, नए मिश्रण की कुल मात्रा मेरे अकॉर्डिंग नए मिश्रण कितना है, 15 है, क्योंकि 8+7 15 यूनिट है, तो हमारा 1 6 के बराबर है, तो मेरे 15 किसके बराबर होंगे, 6×15 है ना, 15 6 90 90 के बराबर होगा, आई थिंक सो। ये सम मैं आपको समझा पाया, बिल्कुल इजी सा सम है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। देखिए 20वां सम समझ लीजिए आप, है ना, वह संख्या निकाले जिसे 13:28 के पदों में जोड़ने पर अनुपात इतने के बराबर हो जाता है। देखिए 13x/13/28 है, ठीक है, जोड़ने पर वह संख्या निकालें जिसको 13x/28x में जोड़ने पर, मैं वो संख्या टी ले लेता हूं, टी प्लस टी, ठीक है, इज इक्वल टू, ये यहां पे एक्स नहीं लेंगे फ्रेंड, क्योंकि एक्स टी हो जाएगा फिर उसमें दिक्कत आ जाएगी, आप टी ले लीजिए। अगर मैं इस 13 में वो टी जोड़ दूं और इस 28 में वो टी जोड़ दूं, जोड़ूंगा तो मैं सेम ही दोनों में उसका 1:2 हो जाएगा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए यहां से, ठीक है, तो करोगे 13×26 प्लस 2t बराबर ये 28 प्लस टी, देखो 2t में से 1t गया, टी रह गया, 28 में से 26 गया तो आपका 2 रह गया, यानी कि वो संख्या थी 2। अगर मैं 13 में 2 जोड़ दूं 15, अगर मैं 28 में जो 2 जोड़ दूं 30, अगर इनको कैंसिल करे तो 1/2 आ जाता है, यही फाइनल आंसर था। आई थिंक सो ये स्वम मैं आपको बिल्कुल अच्छे से समझा पाया। नेक्स्ट सम देखिए, वह संख्या निकालें जिसे अनुपात 15:17 के पदों में से घटाने पर अनुपात इतने के बराबर हो जाए। देखो फ्रेंड वही बात है, यहाँ पे 15-t कर लो, यहाँ पे 17-t कर लो और बराबर अनुपात 6/7 कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके टी का वैल्यू निकाल लो फ्रेंड, ये होमवर्क है, ये आपने सेल्फ करना, बिल्कुल इजी सा सम। नेक्स्ट देखो, एक बाल्टी में 2 ध्रुव ए और बी के मिश्रण का अनुपात 5:3 है, यदि 16 लीटर मिश्रण 16 लीटर ध्रुव बी में बदल दिया जाता है तो दोनों ध्रुवों का अनुपात 3:2 हो जाता है। बाल्टी में ध्रुव बी कितने लीटर थे, भाई भाई बाल्टी में ध्रुव बी की मात्रा निकालनी है कितने लीटर था। देखो समझो, एक बाल्टी में 2 ध्रुव हैं ए बी और जिनका अनुपात है 5:3 है, 16 लीटर मिश्रण निकाल के, भाई मिश्रण 16 लीटर निकाला है और 16 लीटर ध्रुव बी डाल दिया है, भाई यू ए है यू बी है, तो अनुपात कितना हो गया, 3:5 हो गया। एक बात समझ के चलना, भाई बी मिश्रण डाला था, ए तो सेम रहना चाहिए था ना, तो ए को सेम कर लीजिए, सेम करने खातर इस 5 को पूरे को, इस 5 को 3 को इस 3 से, इस 3 5 को इस 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे 5 3 15, 3 3 9, 5 3 15, 5 5 25 और 25 में से 9 गया 16, ठीक है फ्रेंड, तो मतलब 16 लीटर अभी इन्हें क्या कहा है, 16 लीटर मिश्रण निकाल के 16 लीटर ध्रुव बी भर दिया, मारे अकॉर्डिंग कितना 16, इसके अकॉर्डिंग भी 16, यानी कि मारा एक इसके एक के बराबर, आई थिंक सो यहां तक मैं आपको समझा पाया। भाई थे मतलब पहले की बात हो रही है, कितने थे, अब देखो पहले कितना था 15 और 9, आपको पता होना चाहिए 15 और 9 कितने हो गए फ्रेंड, ये 24 प्लस 16 लीटर यू जो
बार काट का, ये याद रखना, ये मिश्रण काट कर रखा था, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 20, 30, 40, 40 लीटर टोटल मिश्रण हो गया। ये 40 लीटर में ये क्या पूछ रहा था, बी की मात्रा 9/ टोटल इनका, इनका टोटल कितना हो जाएगा आपका 24, ठीक है फ्रेंड। काट दो इन्हें, 3 3 9 और 3 8 24 और 8 5 40 और 5 3 15 लीटर। देखो फ्रेंड इंपॉर्टेंट सम है, मैं फिर समझा देता हूं। ए बी का अनुपात यू था, नया मिश्रण अनुपात इस यू हो गया। 16 लीटर मिश्रण निकाल कर 16 लीटर पानी निकाल दिया, यानी कि जो बी मिश्रण निकाल लिया था 16 लीटर, ये याद रखना, इसीलिए मैंने यहां पे 16 इसमें ऐड करे हैं। वो मिश्रण तो निकाल के रख दिया, बात आती है इसकी। मिश्रण निकालने के बाद आपको पता है बी डाला था, ए तो सेम रहा होगा तो इनको सेम बनाया, ठीक है। मैं रिकॉर्डिंग कितना मिश्रण यहाँ इन्होंने इसमें डाल लिया था, पहले 9 था, ये 25 हो गया 16, बट इसके अकॉर्डिंग भी 16 ही, इन्हें भी 16 ही कहा था हमारा, एक एक के बाद ये बात खत्म हो जाती है यहाँ से। अब क्या कहता है, पहलम था कितना भाई, निकालन था पहलम की बात है, 16 लीटर मिश्रण निकालन था पहलम, 15 9 24 लीटर था। वो जो मिश्रण निकाला था वो भी रख लो उल्टा, तो अब कितना हो गया ये टोटल, पहले हम 40 लीटर टोटल था, 40 लीटर में 9 तो यूनिट थे किसके, बी के, और 15 यूनिट थे किसके, ए के। हमने तो 40 में था 9 यूनिट काटनी थी ना, तो काटने का फॉर्मूला क्या होगा, जितने यूनिट टोटल गुणा अगर 9 का काटना, 9/ इन दोनों का टोटल लेना है। अगर बाद की पूछता तो रहा क्या, बाद की पूछता कि भाई बाद में ये आता आपका 20 30 40 ही होता बाद में भी, बट यहाँ पे 15/25 20 30 40 ही हो जाता, ठीक है। वो 40 कट के 1 यूनिट आ जाता आपका बाद की, ये पहले की पूछ रखा है, तो पहले का आपको जो है आपको सोल्व करा दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक बर्तन में दो ध्रुव ए और बी का अनुपात 3:5 है, 3:5 एक है, ये 3:1 है। यदि 8 लीटर मिश्रण हटाया जाए उतने ही मात्रा में बी को मिलाया जाए। देखो फ्रेंड हैं, ये सवाल भी उसी जैसा है बट थोड़ा सा उसे डिफरेंट है, क्योंकि इसमें अलग अलग आएंगे। देखो समझना, भाई बी को डाला था, ये तो सेम है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3:1 तो सेम रहेगा, इसको 3 से, 3 1 3 3 3 9, तो इसके अकॉर्डिंग 8 यूनिट निकाली गई, यहां पे भी 8 ही है तो 8 यूनिट, यानी कि एक का मान एक आ गया, तो बात वही है। बर्तन में ध्रुव की मात्रा क्या है, अब पूछ रहा है फिलहाल क्या है, ठीक है, फिलहाल क्या है। अब देखो समझना आप, इसमें ध्रुव बी की मात्रा, बर्तन में ध्रुव की मात्रा क्या है, अब ध्रुव की पूछ रहे हैं, तो अब पूछ रहे हैं 9 + 3, 9 और 3 12, अब तो है 12 लीटर, क्योंकि एक का मान एक है तो 12 का मान 12 ही है। पहले कितनी थी, 3 और 1 4 लीटर, पहले 4 लीटर थी, 4 में 8 लीटर इन्होंने मिला के तो 12 बना लिया, ठीक है फ्रेंड। आई थिंक सो ये सवाल मैं आपको समझा पाया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कहता है, एक नियोजक अपने कर्मचारियों की संख्या 9:4 के अनुपात में कटौती करता है, और मजदूरी को 2:5 के अनुपात में बढ़ाता है, बताइए कि उसके द्वारा दिया जा रहा कुल मजदूरी का अनुपात में क्या फेर बदल होता है। देखो फ्रेंड समझना आप, 9:4 में कर्मचारियों की संख्या है और 2:5 में जो है इनकी जो है बढ़ोतरी होती है, इनको के अनुपात में बढ़ोतरी होती है उसकी, ठीक है फ्रेंड। अब देखो समझना भाई, कर्मचारियों की संख्या है 9:2, ठीक है, और मजदूरी है 2:5। अब देखो एक आदमी ने, मैं मान के चलता हूं 2 रुपये मिलते हैं, ठीक है, तो 9 आदमियों ने कितने मिलेंगे, 18, ठीक है फ्रेंड। और अब आदमी पहले 9 थे, अब क्या होगी, 4 होगी, तो अब 5 रुपये मिले हैं, तो 4 आदमियों ने कितने मिल जाएंगे, 20, 20 रुपये मिल जाएंगे। आई थिंक सो मैं यहां तक आपको समझा पाया। अब इस अनुपात में इनको मजदूरी मिल रही है, तो पहले हम तो मिल जाते, अगर काट दे तो काट दो, 2 2 में 18 और 2 2 20, पहले हम तो 9 रुपये मिले थे, अब कितने मिल रहे हैं, 10 रुपये मिल रहे हैं। आई थिंक सो मैं ये सम आपको समझा पाया, बस ये सम यहीं पे ही फिनिश हो जाता है। 24 देखिए आप,
बराबर लंबाई की दो मोमबत्तियां, देखिए बिल्कुल प्योर ट्रिक लगेगा, बराबर लंबाई की दो मोमबत्तियां एक ही समय में जलना आरंभ करती है, पहली की खपत 8 घंटे तथा दूसरी खपत 6 घंटे, इतना ही ले लीजिए, पहली की ए है ये 8 घंटे, दूसरी बी की 6 घंटे, ठीक है, इन कैल्शियम ले लीजिए, तो 8 दूनी 16 और 24 ले लेते हैं, 24 आ जाएगा, 8 या 24, 6 चौके 24, यहाँ पे एक्स लिख दीजिए, ठीक है। देखिए फ्रेंड समझिएगा भाई, 8 घंटे में, 24 घंटे में इन्होंने कहा है पहली की खपत 8 घंटे में तथा दूसरी खपत 6 घंटे में होती है, मतलब एक मोमबत्ती 8 घंटे में पूरी मतलब वो खत्म हो जाती है मोमबत्ती, ठीक है, तो 1 घंटे में वह 3x यूनिट खत्म करती है अपनी, और ये जो बी मोमबत्ती है वो 1 घंटे में 4x यूनिट खत्म करती है, और टोटल यूनिट कितनी है उसकी, 24 यूनिट है। अगर टोटल यूनिट में से मैं ये 3x सब्ट्रैक्ट कर दूं, यानी कि टोटल में से जितनी खत्म हुई है वो मैं कर दूं, उसका रेशियो ले लूं, अगर मैं टोटल मोमबत्ती में से जितनी खपत हुई है 1 घंटे में वो कर दूं, तो फ्रेंड जो लास्ट का अनुपात हो जाता है ना, दोनों की समान दर से जलती है, तो जलने के बाद कितने घंटे बाद भाई ये जो बच गया ना वो घंटे आए हैं, पहली और दूसरी मोमबत्तियों के बीच अनुपात 2:1 होगा। तो फ्रेंड इसको सोल्व कर लीजिए, आपका आंसर जो है फाइनल यहां से बन जाएगा। चलिए करते हैं, ये घंटे आ जाएंगे यहां पे, तो ये हो जाएगा 24 - 3x बराबर 24 * 48 - 4 * 8x, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 5x हो जाएगा, और ये आपका 4 * 8 = 24 ही हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा x बराबर 24/5 आवर्स, ठीक है, ये घंटे आ गए, और 24/5 के घंटे बनाओ, 24 को आप 5 से डिवाइड कर दो, 5 चौके 20 और 4 24 को कैसे लिख सकते हैं, 4 सही, ये आंसर ही आप लिखना है, 4/5, यानी कि 4 घंटे कंप्लीट, 4/5 घंटे के मिनट बनाना था, सेट तो मल्टीप्लाई कर दो, ये 12 12 चौके 48, यानी कि 4 घंटे 48 मिनट जो है इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, कि भाई 4 घंटे 48 मिनट इन्होंने क्या बोल दिया, अनुपात हो जाए कितने घंटे बाद, यानी कि 4 घंटे 48 मिनट बाद वे मोमबत्ती 2:1 के अनुपात में जो है रह जाएंगी अगर उनको जला दिया जाए, और एक मोमबत्ती अगर 8 घंटे और दूसरी मोमबत्ती 6 घंटे में कंप्लीट जल जाती है, तो 4 घंटे 48 मिनट बाद उनका जो रेशियो कितना रह जाएगा, 2:1 के अनुपात में रह जाएगा। 1162 को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित करें कि पहले के 4 गुना दूसरे के 5 गुना के और तीसरे के 7 गुना के बराबर हो, सबसे छोटा भाग निकाल लो। देखो समझिएगा, पहले भाग में ए मान लेता हूं उसका 4 गुना बराबर है, दूसरे भाग का 5 गुना उसको बी मान लेता हूं, और तीसरे भाग का 7 गुना उसको सी मान लेता हूं, ये बराबर है, ठीक है। दो तरीके हैं करने के, या तो आप पहले की डालिन का अनुपात बना लो, या फिर एक सिंपल सा मैं बता दूं आपते, ऐसे बनाओ, ठीक है, इनका एलसीएम ले लो, ठीक है, एलसीएम कितना हो जाएगा, 7 चौक 28 140 हो जाएगा, ठीक है, तो काट दो इन्हें, 4 3 12 और 2 14 4 5 20, 5 2 10 5 8 40 और 7 2 14, ठीक है, अगर एक पैड़े पर फिर जाते हो ना तो इनको आप काट सकते हो, नो डाउट, ठीक है, यानी कि ये टोटल भाग आ गया आपके, ठीक है, इतने के अनुपात में है ये टोटल आ गया आपका, यानी कि 1440 कितना, ये 1162 के इक्वल है, तो एक आपका 1162/140 आ जाएगा। तो इन्होंने क्या, सबसे छोटा भाग, सबसे छोटा भाग क्या, 35 28 20 में 20 है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी आपकी, ठीक है, और 2 7 14 और 7 पकाट दो इन्हें, 7 7 1 7, ठीक है, 7 1 7 ये 1162 है ना फ्रेंड, ठीक है, तो ये आपका 140 आया है यहाँ पे, ठीक है, तो अगर इनको ऐड करें तो 30 40 50 60 70 73, ये 140 के बराबर ही आना चाहिए, तो सबसे 114 140 14 2 28
140, ठीक है। देखिए फ्रेंड इसको पेंडिंग करते हैं, इस सम को बाद में करेंगे, है तो ये ऐसे ही है, अभी दिमाग से ये जो है स्किप कर गया, ठीक है, कर लेते हैं, कोई बात नहीं, अगली जो नेक्स्ट वो चैप्टर स्टार्ट कराऊंगा बीच में ये सम आपका जो है करवा देंगे, पेंडिंग कर देते हैं। 680 को वैसे तो ये इजी ही है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, चलो बाद में करवा देते हैं इसको। 680 को ए बी और सी के बीच इस प्रकार विभाजित करें कि ए को बी का, देखो फ्रेंड समझिएगा, चलिए मैं इसको ही करता हूं दोबारा से, ठीक है यार, मनसा नहीं मानता ऐसे बीच में, है ना, चलिए करते हैं। देखो अगर मैं इसको ऐसे कर लूं तो आई थिंक सो यही आया था, ए बाई बी कर लूं, ठीक है, दूसरे तरीके से देखते हैं, ए बाई बी तो ये पांच पाँच बटे चार हो जाएगा, अगर इन्हें b बाई सी कर लें, b बाई सी तो ये सात बटे पाँच हो जाएगा, अगर a अनुपात b लिखूं और यहाँ पे b अनुपात c लिखूं तो ये पाँच अनुपात चार और ये सात अनुपात पाँच होगा, अगर मैं यहाँ पे a b c लिख दूं तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा, सत्तुपंजी पैंतीस अनुपात सत्तुपंजी पैंतीस और पाँचों के बीस अनुपात सात चौक अट्ठाईस, देखो ये ही आया है 35 28 20। अब ये टोटल है फ्रेंड, ये 140 का कोई रोल नहीं है यहाँ पे, ठीक है, नथिंग एल्स, ये नथिंग, ये नहीं लेना है, तो इसको ऐड कर दीजिए आप, जब इसको ऐड करोगे ना आप तो ये हो जाएगा 20 40 48 में आप अगर 35 ऐड करोगे, 8 और 2 10 और 3 13 4 3 7 1 8 83 हो जाएगा, 83 का मान कितना आ जाएगा 1162 बटे आप 83 कर लो और आप 20 की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, ठीक है फ्रेंड, तो आपका जो है ये फाइनल आंसर यहाँ से बन जाएगा जो कि कितना आ जाएगा 280 आ जाएगा आपका, ठीक है, आप सोल्व आउट कर लेना इस सम को, ठीक है, 280 ही बनेगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट में क्या कहता है ये, वो 140 की वजह से कन्फ्यूजन क्रिएट होगी ना, क्योंकि 140 का तो कोई रोल था ही नहीं समय। 680 को ए बी और सी के बीच इस प्रकार विभाजित करें कि ए को बी का, देखो ए को मिला है बी का 2/3, ठीक है, और बी को सी का, यानी कि बी को मिलता है 1/4 किसका, सी का, तो सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए, भाई सी की जो है आपने निकालनी है कितना इसका पार्टनरशिप है इसकी, देखो ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में 2/3 और ये b बटा सी बराबर 1/4, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, a अनुपात b बराबर 2/3 और इसको b अनुपात c बराबर 1/4, ठीक है, ये b c इसके नीचे लिख लो, ये कितना 1:4, तो जब आप ए बी सी निकाल लोगे तो कैसे, इनकी गुणा 2 × 2, इनकी गुणा 3 × 3, इनकी गुणा 4 × 12, ये हो गया। अब इन अनुपात को जोड़ दो, यानी कि 2 × 3 × 12, 12 × 2 = 14, 3 = 17, 17 का मान 680 आ गया, ठीक है, और 17 × 4 = 68, 17 × 4 = 68, 1 का मान 4 आ गया 40, क्योंकि 17 × 4 करोगे ना तो 68 हो गया, तो ये 40 आ गया, 1 का मान, जो सी का हिस्सा, मेरे अकॉर्डिंग सी का हिस्सा 12 था, तो इसलिए 12 की वैल्यू 40 × 12, तो 12 × 24 × 48, तो ये 480 आ जाएगा आपका, आई थिंक सो, ये देखो वहाँ पे 140 ने कन्फ्यूजन क्रिएट कर दी थी, अदरवाइज जो ये रेशियो है इसका सम ही आपको गिवन होता है टोटल, ठीक है, वो 140 की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ गया था सम, ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाती है यार। नेक्स्ट देखिए 28, 600 को ए बी और सी में इस प्रकार विभाजित करें कि ए के 2/5 हिस्से से, देखो ए का 2/5 ए का हिस्से से 40 अधिक है, ये 40 बराबर बी के 2/7 हिस्से से, बी के 20 अधिक है ये, बराबर सी के 9/17 हिस्से से, सी के कितना अधिक है, 10 अधिक है, इसको फ्रेंड एक्स के बराबर मानना है, देखो और कुछ तरीका है ही नहीं इसका। अब क्या करोगे, ये जो 2/5 ए है ना प्लस 40 है, इसको भी बराबर एक्स के लेना है, बिल्कुल इसी प्रकार 2/7 बी प्लस 20 है ना, इसको बराबर एक्स करना है, इसी प्रकार 9/17 सी है ना प्लस 10 है, इसको भी बराबर एक्स के करना है, ठीक है फ्रेंड। अब देखिए यहाँ से 2/5 ए बराबर एक्स माइनस 40 हो जाएगा,
बिल्कुल इसी प्रकार 2/7b बराबर एक्स माइनस 20 हो जाएगा, इसी प्रकार आपका 9/17c बराबर एक्स माइनस 10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आता है ए की वैल्यू निकाल लो, एक्स माइनस 40 ये गुणा में परली साइड जाकर रकम पलटी पलट जाएगी यानी कि रोटेट हो जाएगी। बी की वैल्यू यहाँ आता है एक्स माइनस 20 इंटू 7/2 होगी, और यहाँ आता है सी की वैल्यू कितनी होगी, एक्स माइनस 10 रोटेट होकर कितनी होगी फ्रेंड, ये 17/9 होगी। अभी नन देखो टोटल 600 के दिया है, यानी कि जो ये आपका x माइनस 40 गुणा 5/2 जमा x माइनस 20 गुणा 7/2 जमा x माइनस 10 गुणा 17/9 ये बराबर 600 के रखना है। यहाँ तक जो भी आपका x का मान आवे ना, तो इन्होंने क्या बोला है, तो एक ऐसा x का मान आपने यहाँ रखा है और इसको सोल्व करना है, ये तो फ्रेंड आपने करना होगा, जो आपका इसका फाइनल आंसर 150 आ जाएगा। ये आप कैलकुलेशन सेल्फ करिएगा फ्रेंड, और मैं थोड़ा बता देता हूँ, 5 के अंदर गुणा करेंगे तो 5x-200/2 जमा ये 7x-7×14=140/2 जमा ये हो जाएगा 17x-170/9 बराबर 600। यहाँ तक आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम उधर मल्टीप्लाई होगा, फिर अगर यहाँ पे आप 18 आ जाएगा एलसीएम, 18 नहीं होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका 9 तक पूरे को मल्टीप्लाई, इसको भी 9 से ये यूं का यूं आप जोड़ के यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल के वो इधर पुट कर दीजिएगा और इसको सोल्व आउट करिएगा। फ्रेंड देखिए ये थोड़ा है कैलकुलेशन है।